शाहपुर प्रदेश कांग्रेस महासचिव केवल सिंह पठानिया की अगुवाई में ब्लॉक युवा कांग्रेस अध्यक्ष विजय कुमार की उपस्थिति में लद्दाख में 20 भारतीय सैनिकों की शहादत पर शाहपुर कांग्रेस ने कैंडल मार्च निकाला। इस दौरान केवल सिंह पठानिया ने कहा कि कैंडल मार्च के दौरान 2 मिनट का मौन रखकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। उन्होंने कहा कि अब जनता देश भर में चीनी सामान का बहिष्कार करेगी। उन्होंने मांग की कि केंद्र सरकार ने चाइना से जो भी संवाद या व्यापारी समझौते किए हैं उनको केंद्र सरकार रद्द करे। श्री पठानिया ने कहा कि अखिल भारतीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने जो सवाल प्रधानमंत्री से पूछा है उस सवाल के साथ हम भी खड़े हैं। जो चाइना के बॉर्डर पे LAC पे शहीद हुए हैं, आज मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। पिछले कल ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने और भूतपूर्व सैनिकों ने कल कांग्रेस कार्यालय रैत में श्रद्धांजलि दी, और आज मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ सापर यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष और विजय ठाकुर और उसकी टीम को और तमाम हमारे जो प्रधान और वरिष्ठ हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता हैं इनका धन्यवाद करना चाहूँगा। आज ये कैंडल मार्च यहाँ रखा गया, ये कैंडल मार्च सच्ची श्रद्धांजलि है जिन लोगों ने अपनी जान देश के लिए कुर्बान की है, और खासकर विशेषकर हिमाचल का जो अंकुश ठाकुर 21 साल का जो शहीद हुआ है उसके लिए जो है ये आज 2 मिनट का मौन और कैंडल मार्च जो है युवा कांग्रेस द्वारा आयोजित किया गया है। मैं युवा कांग्रेस को बधाई भी देना चाहूँगा, और वास्तव में आज जो चाइना इंडिया के उस पर चल रहा है, अब समय आ गया कि देश के प्रधानमंत्री उनको निर्णय लेना है। जो बड़ी बड़ी बातें करते थे कि 56 इंच का सीना है, अब निर्णय का समय है कि चाइना के साथ अब 6 या 8 महीने या 1 साल पहले किस तरीके से चाय पे चर्चा कर रहे थे, जिस दिन हमने चाय पे चर्चा की उस दिन ही डोकलाम पे कब्जा हुआ है। तो ये वास्तव में चाइना अंदर से जो बात कुछ और कर रहा है और नीचे से अंदर खाते जो हमारी जो LAC उसका जो उल्लंघन कर रहा है, जो हमारी 1996 में ट्रीटी हुई और जब प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे 2005 में जो इंडो चाइना ट्रीटी है उस पर उन्होंने जो उसका मैं कहता हूँ सीधा उल्लंघन किया है। और आज मैं TV पे देख रहा था जो नई चर्चा स्टार्ट हुई, वर्तमान प्रधानमंत्री ने आज स्टेटमेंट दिया 11:30 बजे कि कोई उल्लंघन नहीं हुआ है, कोई चाइना के लोग आर्मी जो है इधर नहीं आई है। तो चाइना की आर्मी इधर नहीं आई है तो अच्छे हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी ने प्रश्न पूछे, उस प्रश्न पे हम भी खड़े हैं। अगर चाइना की आर्मी इंडिया के LAC को क्रॉस नहीं की है तो ये बताए वर्तमान सरकार, होम मिनिस्टर भी बताए, डिफेंस मिनिस्टर बताए, प्रधानमंत्री इसका जवाब दे कि हमारे इतने लोग मरे कैसे हैं, उस पर वर्तमान सरकार को चर्चा करनी चाहिए। और आज कुल मिला के हमारा यही प्रस्ताव है कि चाइना के जो भी चीज़ है और चाइना के साथ जो भी संवाद है उसको बंद करके उनके टोटल जो है उसमें आ गया कि हमारे को बहिष्कार करना चाहिए। दिव्य हिमाचल TV के लिए शाहपुर से विजय लगवाल की रिपोर्ट।